आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं छाया श्रीवास्तव आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 8 विशेषण। विशेषण आप लोगों ने क्लास 2 और क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा विशेषण किसे कहते हैं, आप जानते भी होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं बेटा? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं, और सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे काला, मोटा, सफेद, छोटा। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जैसे यह घर सचिन का है, यह घर सचिन का है। ठीक है बेटा, यह सुंदर, हवादार और विशाल है। यानी कि यहाँ पे घर की विशेषता को बताया जा रहा है। अब घर की विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, घर की विशेषता है कि यह घर जो है वो सुंदर है, सुंदर आप जानते ही हैं, और हवादार भी है, सुंदर भी है, हवादार भी है, और विशाल यानी बड़ा भी है। इस घर की विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर है, हवादार है और विशाल है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए। घर के बाहर उसका काला, काला भी विशेषण है, काला कुत्ता एक मोटी जंजीर से बंधा है। यानी कि उसका रंग कैसा है? कुत्ते का काला है, और किससे बंधा है? कि वो एक मोटी जंजीर से, मोटी भी विशेषण है, मोटी जंजीर से बंधा है। ठीक है ना, जंजीर की विशेषता क्या है? कि वह मोटी है, और कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वह काला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे भी देखते हैं। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन आप जानते हैं रोज, रेगुलर 4 लीटर दूध पीता है। यानी कि वह प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता है। कितना दूध पीता है वो? 4 लीटर। ठीक है, 4 भी क्या है? 4 लीटर भी क्या है? विशेषता है। ठीक है ना, अब हम लोग जानते, अब आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि विशेष, विशेष क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि विशेष क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, क्या की जाती है? विशेषता बताई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते हैं। जैसे यहाँ घर की विशेषता बताई जा रही थी, बताई जा रही थी कि नहीं? अभी पिछले उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि घर की विशेषता बताई जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको उदाहरण देके समझा रही हूँ कि अमित मीठा आम खा रहा है। अमित कैसा आम खा रहा है? मीठा आम खा रहा है। तो मीठा क्या हो गया? मीठा क्या हो गया बेटा? मीठा विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। और आम क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष, यानी कि विशेष। ठीक है, मीठा जो है वो विशेषण हो गया। आम की विशेषता क्या है? कि वो मीठा है, यानी कि विशेषण हो गया। और आम क्या हो गया? विशेष हो गया। आगे बात समझे? नेक्स्ट, राहुल का घर सुंदर है। राहुल का घर सुंदर है, राहुल तो संज्ञा है, आपको पता है, और घर उसका, अब उसका घर कैसा है? घर सुंदर है, यानी कि घर जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे विशेष हो गया। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। यानी कि हम लोग किसकी विशेषता बता रहे हैं? घर की, घर की विशेषता बता रहे हैं कि घर जो है वो सुंदर है। तो घर जो हो गया, जिस वस्तु की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गई? विशेषण हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि
विशेषण के कितने भेद होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, विशेषण विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक और तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वभौमिक विशेषण। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ये जानेंगे कि जैसे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और सार्वभौमिक विशेषण किसे कहते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। और ये तो आपको पता चल गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि घोड़े के रंग को बताया जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा है, अब हम लोग जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, मेज पर चार पुस्तकें रखी हैं, मेज पर कितनी पुस्तकें रखी हैं, चार पुस्तकें रखी हैं। अब चार पुस्तक यानी कि संख्या का निश्चित बोध होना है, लेकिन नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, टोकरी में फल तो रखे हैं लेकिन उनकी उनकी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और चार पुस्तकें रखी हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बेटा, अब हम लोग जानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है मापतौल, परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा, मापतौल। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे चार किलो सेब दो, चार किलो सेब दो, दो लीटर तेल दो, ठीक है बेटा, या चार किलो आटा दो, दस किलो गेहूं दो, तो ये सारे परिमाण मापतौल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कुछ सामान खरीदना यानी कि कितना खरीदना है ये पता नहीं है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का पालन करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का पालन करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पेंसिल राजीव की है, यह पेंसिल राजीव की है। दूसरा देखिए, वह कार कलम मेरी है, वह कार मेरी है, वह कलम मेरी है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सार्वभौमिक विशेषण के अंतर्गत है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, आपको पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप याद भी कर सकते हैं इसको क्योंकि समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इस पाठ का पीडीएफ बना के, इस पाठ के प्रश्न उत्तर का पीडीएफ बना के भेजूंगी, उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में सुंदर और साफ लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।